जमाना बदल रहा। इस तरह जमाना भावें बदली जाए पर रब नहीं बदलता, जमाना बदली जाए परमेश्वर के वादे नहीं बदलते, जमाना बदली जाए परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं बदलती, जमाना बदली जाए परमेश्वर के वचन नहीं बदलते, जमाना बदली जाए परमेश्वर स्थिर आ ते अज भी उस तरीके दे नाल अपने लोगों की अगवाई करन दे लई तैयार आ। ते मैं आप जी नूं कह रहा सी जदों मैं देखिया बाइबल दे अंदर एक बहुत वड्डी तस्वीर है जदों चार व्यक्ति एक अधरंगी नूं चक के प्रभु यीशु मसीह दे कोल लैके आए आ। जदों लैके आए तो जिथे प्रभु यीशु जिस घर दे विच सीगे ते ओह घर सारा भरिया सी, जिथे प्रभु यीशु बैठे सी ओह कमरा सारा भरिया सी, ते उन्हां तों अंदर वड़ नहीं होया। उन्होंने की किया, उन्होंने ये नहीं कहा अपने बीमार दोस्त नूं जिहड़ा अधरंगी सीगा जिहदे हाथ पैर काम करने बंद कर गए सी, उन्होंने उन्होंने इदा नहीं कहा लै यार असी होर की कर सकते हैं, असी लिया ही सकते सी तैनू देख असी लै तो आए हाँ, हुण अंदर वड़न नूं जगह है नहीं, साडा की कसूर आ, हुण तां तेरे कर्मां ते गल टिकी आ, हुण तां रब की मर्जी ते गल टिकी आ। बहुत लोग परमेश्वर की मर्जी ते गल टका के गल टाल देंदे आ, पर मैं तुहानूं कहना चाहुंदा अज भी तुहानूं अपने परमेश्वर दे विच विश्वास नाल खड़े रहण की जरूरत आ। अज भी तुहानूं परमेश्वर विच खड़े होकर जोर मारन की जरूरत है। अज भी थानू जे राह बंद है तो नवे राह दे लई थानू अपना दिमाग चलाउण दी लोड़ है। जिथे दिमाग काम नहीं करता उत्थे प्रेयर करन दी लोड़ है, परमेश्वर तो पुछन दी लोड़ है कि दसो हुण मैं की करा, दसो थाडी अगली रणनीति की है। थानू पता आपां जेड़े मसीह दे विच लोक आ, आपां जिन्हां नूं प्रभु ने अपने लहू दे नाल मुल खरीद लिया, सानू पवित्र आत्मा नूं पुछना चाहिए आ पवित्र आत्मा जी अज तुसी की चाहुंदे आ, अज मैं किद्दां करां, अज मैं इबादत दे विच जा रहा, अज मैं इबादत दे विच जा रही हाँ, मैनू दसो पवित्र आत्मा जी मेरी अगवाई करो मैं अज किस तरह की प्रार्थना करां, तुसी की चाहुंदे आ, अज मैं उदां थाडी इबादत करां, अज मैं उदां उत्थे बैठा, अज मैं उदां थाडे सामने पेश होवां, अज मैं दसो जे मैं स्टेज पर मेरी ड्यूटी है तो मैं पूछना चाहिए दसो मंच के उत्ते पवित्र आत्मा जी तुसी की चाहुंदे आ, मैं की करां अज किद्दां मैनू कर। पर असी एको ही रूट फड़िया आ, अपना माइंड सैट किया आ मैं आही करना आ, अपना माइंड सैट किया, असी अपने माइंड के हिसाब के नाल चलते हैं। पर कदे भी आत्मक दुनिया के अंदर, कदे भी इबादत के अंदर तुसी माइंड सैट करके कामयाब नहीं हो सकते। तुहानू हर वक्त पैर पैर ते पवित्र आत्मा की आवाज़ नू सुनन की लोड़ है। तुसी देखा जिहड़े पहलवान हुंदे ने ओ थोड़े थोड़े चिर बाद घंटे घंटे बाद दो दो घंटे बाद अपने जीवन के अंदर मिनरल जिहड़े हुंदे आ जां जिहड़े खास भोजन हुंदे आ उन्हां नू ग्रहण करदे रहिंदे आ, जां जिहड़े खास बॉडी दे लई एनर्जी दिंदे आ ओ चीज़ां नू ओह फ्रूट दुध जां होर कई चीज़ां जिहड़ियां वो खास डाइट जिहड़ी है वो खांदे आ, करके उन्होंने ट्रेनर ने उन्होंने कहा आ हर दो घंटे बाद बॉडी नू इन्नियां चीज़ां जिहड़ियां इन्नियां कैलरीज जिहड़ियां वो तुसी देनियां, तो उस हिसाब दे नाल अपने आप नू बॉडी नू अपडेट करते रहिंदे आ। ते हुण एक मसीह व्यक्ति दे लई मैं गल करनी चाहुंदा, एक विश्वासी दे लई गल करनी चाहुंदा, उन्नी सवेरे जे अद्धा घंटा प्रार्थना कर ली, दस मिनट कर ली, पाँच मिनट कर ली सारी दिहाड़ी उन्हूं चेता नहीं कि मैं अपने परमेश्वर का नाम लेना, मैं अपने परमेश्वर वल ध्यान लैना, मैं उहदी कोई गल सोचनी आ, उहदा कोई काम हो रहा, मैं उहदा सहयोगी बनना, उन्हूं कोई फिक्र नहीं, रात नूं भी आके पाँच मिनट कर ली ते मंजियां ते लेट लिया पशुआं वांगू, तो सवेरे उठ के खादा ते जाके फिर अपने काम धंधियां ते चढ़ गए, ते उन्हां नूं इदां लगदा वाह भाई वाह प्रभु साडी मदद नहीं करदे। तुसीं भाई अपनी आत्मक जिंदगी नूं अपडेट नहीं करदे, एक बारी खाओ ते सारी दिहाड़ी कुछ ना खाओ, फिर सवेरे उठ के खाओ तो फिर सारी दिहाड़ी ते सारी रात कुछ ना खाओ, कि थाडी बॉडी पावरफुल रह सकती है,
कि तुसी अपनी बॉडी नू उस तरीके दे नाल मेंटेन कर। इदां ही साडा आत्मा आ, इदां ही साडा स्पिरिट आ। जे तुसी उहनू दिने आत्मक गाने नहीं दिंदे, जे तुसी दिने उहनू वचन दा भोजन नहीं दिंदे, जे तुसी प्रार्थना नहीं करदे, तां फिर ये हौली हौली कमजोर हुंदा जांदा है। अज ही मैं अपने तवेले च गया सी ते मैं अपने आदमी नू कह रहा सी कि जिहड़ी घोड़ी है मैनू कमज़ोर लगती है, तुसी उहनू खाण नू नहीं दिंदे। इहदा मतलब यही आ, चाहे वह जानवर आ, चाहे वह इंसान आ, ते चाहे थोड़ी आत्मक लाइफ आ, उहनू खाण नू चाहीदा आ। ते वध तो वध अपनी आत्मक जिंदगी दे अंदर परमेश्वर दे वचना दे लई जगह बना के रखो, इनू एनर्जी फूड दो, ता कि तुसी प्रभु दे नाल बने रहो। मैं हज़ारां लोकां नू देखदा जिहड़े इबादत दे लई आउंदे आ, चर्च नू आउंदे आ, पर की आ सही क्रिश्चन नहीं हैगे, उह सही विश्वासी नहीं बन सके, करके उह रीति रिवाजां दे नाल, उहनां नू लगदा रीति रिवाजां नाल प्रभु खुश हुंदे आ। भाई रीति रिवाजां दे नाल प्रभु खुश नहीं हुंदे, प्रभु खुश हुंदे आ जदों तुसी स्पिरिचुअली अपने आप नू ट्रैवल करना सिखा लैंदे आ, स्पिरिचुअली चलना सिखा लैंदे। ट्रैवल करना दो तरीके दे नाल हुंदा, एक हुंदा जिद्दां फिलिपस जिहड़ा रोटियां बनाउण वाला आदमी सी, पवित्र आत्मा ने उहनू ट्रैवल कराया, तो उहनूं कहा जा उजाड़ दे विच, एक आदमी जांदा है उत्थे चल जा। इत्थे दो उजाड़ दीआं गल्लां अज मैच कर गईआं। पहली गल उजाड़, जदों प्रभु यीशु नूं पता लग्या तो बाइबल कहिंदी आ उजाड़ नूं चल गए, भीड़ पिछे चल गई। दूजी गल जदों फिलिपस नूं मैसेज आया, तो उहनूं मैसेज आया उजाड़ दे रस्ते नूं चल जा, तो उत्थे तैनूं एक राजा मिलेगा, दूजे दर्जे दा राजा उहनूं कहिंदे आपां, तो उहदे नाल गलबात कर, उहनूं वचन दे। तो उस वेले उह राजे ने रस्ते च बपतिस्मा लै लिया, तो जदों राजे ने बैप्टिज़म कर लिया, तो बाइबल की कहती है उस वेले आत्मा ने फिलिपस नू फड़िया ते चक के लै गया। यह ट्रैवल अलग आ, जिहड़ा मैं कहना चलना वो अलग है। तो मैं गल कर रहा सी चार आदमी एक अधरंगी नू जिहड़े उहदे दोस्त सी चक के लियाए, वो कहिंदे आ जाओ असी प्रभु यीशु मसीह दी शक्ति नू वेख्या आ, ते आओ तैनूं लै के चलदे आ, सानू पूरा भरोसा है कि वह प्रभु यीशु तैनूं चंगा कर दोगे। तो जदों लै के गए, घर भरिया सी, कमरा भरिया सी, अंदर जा नहीं सकते, लोग खड़े आ, दर बंद है, यीशु मसीह खुशखबरी का प्रचार कर रहे हैं, तो हुण अंदर जाने का कोई साधन नहीं। उन्होंने की किया, उन्होंने होर रस्सियां लैके मंजे नाल बनना शुरू किया, तो उन्हें हौली दानी क्या होना किसी ने इधर आओ तुम मैनू मारन लिए लैके आए, वो कहते नहीं अंदर बढ़न थां है नहीं, वो कहता फिर थां है नहीं, हुण तुसी की करन लगे आ, मैनू किधर लैके चलने आ। उन्होंने एक पासे मंजा चक्या, तो जड़ा बीमार सीगा, तो पैर पौंदा च फसया, तो सिर सराहने वाले दे पासे फसया, तो उन्होंने उन्होंने बन के दो जने उत्ते चढ़े, बाजा मारिया आयो भाजी माड़े जहाँ साड़ी मदद करो इन्हू उत्ते चढ़ा। वह कहें यीशु मसीह तो अंदर है, इनू उत्ते की कहूँ चढ़ाई जाने। वह केंद्र साडे को एक स्कीम आ, केंद्र की स्कीम आ, केंद्र अंदर बाड़ नहीं हुंदा, हुण असी उत्तों जाके टाइलां चकांगे, छत देड़ांगे, तो अपने मरीज़ नूं यीशु दे मूहरे रख देंगे ले जा के। जे वो ये बहाने बनाई जाते भी यार तेनों लैता है, हुण तेनों होर की करिए, होर कित्थे लै जाइए, अगे सानू साओ साई होए पैन, त्या लगी आ, बुरा हाल आ, इन्नी गर्मी आ। असीं भी लोग इदां दे बहाने लाने, बहुत गर्मी आ, जा नहीं होना, उत्थे रश बहुत आ, बढ़ नहीं होना। बाइबल की कहिंदा उन्होंने जोर मारिया अपनी चंगियाई लैण नूं। अज भी मेरे प्यारे भैनों ते भरावो, मैं तुहानू कहना चाहुंदा जोर मारो अपनी चंगियाई लैण नूं, जोर मारो अपनी बरकत लैण नूं, जोर मारो अपनी जिंदगी बदलण दे लई, जोर मारो अपनी जिंदगी दा इतिहास बदलण दे लई, जोर मारो अपनी फैमिली नूं बदलण दे लई, जोर मारो अपने बच्चों नूं बदलण दे लई, जोर मारो अगर तुहाडी पत्नी अगर तुहाडा पति बदले नहीं आ, तो दोनों जोर मारो ता कि तुसीं उहनां नूं बचा सको, तो परमेश्वर दे कोलों बरकतां लै सको। जे दो घंटे भी मंजा बाहर रख के बैठे रहिंदे, यीशु मसीह ने बाज मारनी नहीं सी, करके बहुत रश सी, लोग खड़े आ, तो लोग तुहानूं पता जाते नहीं होंगे। असी कई बारी मीटिंगां विच जाने आ, जे असी उत्थे
12 साढ़े 12 बजे फ्री होए हाँ, कई बार 3-3 बज जाते हैं, लोग फिर भी स्टेज छड़ के जाते नहीं, आले दुआले खड़े रहिंदे आ, कई बार फिर भी सानू बड़ी तरीके नाल साडियां टीमां उत्थों कढ के लैके आउंदियां आ, करके थोड़ी एक हद आ जिन्ना तुसीं काम कर सकते हो। इस तरीके दे नाल मैं आप जी नूं कहना चाहुंदा, जिहड़े लोग जोर मारदे आ, प्रेयर्स करदे आ, वो कदे भी अपने जीवन दे विच असफल नहीं हुंदे, वो सफल हुंदे आ ते प्रभु की बरकत नूं पाउंदे आ। देखो किड्डी वड्डी गल आ, कई लोगों ने बाजा मारियां होणियां, ओए छत तो थल्ले आओ, तुहानूं नहीं पता थल्ले गुरु जी बैठे, तुसीं उत्ते पैर लैके चढ़ गए, पर उन्हां दा ईमान, पर उन्हां दा हौसला, उन्हां दी स्कीम आइडिया, बाइबल की कहिंदी आ, परमेश्वर दे वचन दे विच्चों तुहानूं नवें आइडिए मिलदे हन, अते ओ आइडिए तुहानूं जीवन दिंदे आ। जीसस ने भी कहा नहीं, वो देखो उत्ते कि खड़का करदे, लाओ इन्हां नूं थल्ले। यीशु मसीह नूं पता सी बंदे उत्तों दी आ रहे आ, बंदा उत्तों थल्ले आ रहा आ, ते मैं इत्थे चमत्कार करना आ। अज भी लोग दुनिया रौली पाउंदी, कहिंदे चमत्कार करदे आ, असीं थोड़ी करदे आ चमत्कार, चमत्कार वचन पढ़न ना हुंदे आ। तुसीं वी नेचा नाल वचन पढ़ने शुरू करो ना, वो चर्च कोई गल नहीं, चर्च तां इदां बदनाम करन दी लोग कोशिश करदे आ जिद्दां चर्च दे अंदर कंडे खिलरे आ। चर्च एक आराधना दा स्थान है, चर्च एक आराधनालय आ, चर्च परमेश्वर दी प्रस्तिश करन दा स्थान है। चर्च दे अंदर कोई भी माड़ा कर्म कांड नहीं हुंदा, चर्च विच जीसस दी सिक्ख्या नूं प्रफुल्लित किया जाता है, चर्च दे अंदर इतिहास दस्या जाता। मैं थानू पेश कर सकदा इत्थे लखां लोकां ने जिन्होंने नशा छड़िया ते अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नूं दिता, लखां लोग जिन्होंने अपनियां बीमारियां तो चंगियाई पाई ते यीशु मसीह नूं अपना जीवन दिता, लखां लोग जिहड़े डिप्रैशन दे मरीज सीगे सताए हुए सी, लखां अशुद्ध आत्मा दे जकड़े लोग जिन्होंने चंगियाई पाई है प्रभु यीशु मसीह नूं अपना जीवन दिता, ते ओह प्रभु यीशु मसीह दे कोल आ रहे। तकलीफ कादी आ वी सानू, सानू प्रॉब्लम की है, असीं अपनी जिंदगी दे उत्ते ध्यान करिए, ना के विवादत बयान दईए, ना के किसी व्यक्ति नूं रोकीए भी तू कित्थे चलिया, क्योंकि हर बंदा अपने जीवन दे अंदर अपनी जिंदगी दा इंचार्ज है, वो स्वै अपनी जीवन दा स्वै इश्क है, वो अपनी जीवन दे आप फैसले करन दी शक्ति रखदा है।